हेलो गाइस, वेलकम टू टीच यू। तो इन द लास्ट क्लास हमने पढ़ा था ट्री ट्रैवर्सल के बारे में, बट वो था रिकर्सिव मैनर में। सो इन दिस वी विल टॉक अबाउट ट्री ट्रैवर्सल, बट वो होगा इटरेटिव अप्रोच में। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम ट्री ट्रैवर्सल पढ़ने वाले हैं वो है ट्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो ट्री ऑर्डर ट्रैवर्सल तो पता ही है आपको, जैसे सबसे पहले इसमें हम क्या विजिट करते हैं, रूट, देन रूट का लेफ्ट चाइल्ड, देन रूट का राइट चाइल्ड। ओके, रूट लेफ्ट राइट, दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। ओके, तो अगर हम इस ट्री का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखें तो वो होगा ए, दैट इज रूट, देन इसका लेफ्ट चाइल्ड विच इज बी, देन ये अगेन एक ट्री है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड, देन इस वाले नोड का राइट चाइल्ड विच इज ऑल्सो अ लाइक सब ट्री कह सकते हो, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड, इसका राइट चाइल्ड, और हमने इस वाले नोड के सारे लेफ्ट को विजिट कर लिया है तो इसके राइट को। ठीक है, तो ये है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ दिस ट्री। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हम इसे कैसे यूज करेंगे यूजिंग इटरेटिव अप्रोच। एक चीज याद रख, मतलब एक चीज कहीं ना कहीं बैठा लो दिमाग में यार, कि अगर हमें रिकर्शन से इटरेटिव में जाना होता है, ठीक है, रिकर्शन से, जस्ट वन मिनट यार, रिकर्शन से जब भी हमें इटरेटिव अप्रोच यूज करनी होती है तो हम यूज करते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक दैट, और इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लीफो विच इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आखिर में जाएगा वो पहले आएगा। ठीक है, और ठीक है, तो ये ट्रैवर्सल बिगिन करने से पहले स्टैक, जहां से तुम्हें ट्रैवर्सल बिगिन करनी है उसको स्टैक में डाल दो। जैसे हम रूट से बिगिन कर रहे हैं तो हमने स्टैक में डाल दिया है। ठीक है, तो अब ट्रैवर्सल बिगिन करते हैं। तो सबसे पहले स्टैक के टॉप को हम पॉप करेंगे, देन इसके सबसे पहले राइट चाइल्ड को पुश करेंगे, देन इसके लेफ्ट चाइल्ड को पुश करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है जो लास्ट में जाएगा वो पहले आएगा। ठीक है, तो अगेन हम सेम चीज रिपीट करेंगे, हम स्टैक के टॉप को पॉप करेंगे और इसके राइट चाइल्ड को, देन इसके लेफ्ट चाइल्ड को पुश करेंगे। फिर से सेम चीज, पॉप किया बट इट डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, तो हम आगे बढ़ गए। फिर हमने डी को पॉप करा और इसके राइट चाइल्ड को पहले, देन इसके लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, फिर मैंने इसके लेफ्ट चाइल्ड से मैंने स्टैक के टॉप को पॉप करा, देन ये था बिकॉज इसका कोई चाइल्ड नहीं है तो मैंने इसको भी पॉप करा। अब स्टैक में कुछ बचा हुआ है, हाँ यस जी इज रिमेनिंग, यही होगा स्टैक का टॉप, तो हमने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, सो दिस इज द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल यूजिंग स्टैक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यार इंटरव्यूअर जो होता है अगर वो प्रॉब्लम एक्सटेंड कराना चाह रहा है और आपके बेसिकली थिंकिंग एबिलिटी को देखना चाह रहा है, तो यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कूल, अब हम चीजों को इंप्लीमेंट करके देखेंगे टू मेक इट वेरी क्लियर कि हाँ हमें आ गया है। ठीक है, चलो लेट्स जस्ट वन मिनट। सो फॉर इंटर लाइक इंप्लीमेंटिंग दिस थिंग आई एम यूजिंग इंटरव्यू बिट, लेट्स रीसेट एवरीथिंग। ओके अच्छा, सो हमें क्या रिटर्न कराना है, वेक्टर रिटर्न कराना है। सो वेक्टर व्हिच इज ऑफ इंटीजर टाइप, लेट्स नेम दिस वेक्टर एज प्री ट्रैवर्सल, लाइक यू कैन नेम इट व्हाट एवर, बट प्री ट्रैवर्सल लुक्स गुड। देन ओके, एक ये केस होता है कि यार एक कॉर्नर केस पे ध्यान देना होता है, अगर ऑलरेडी जो आपको ट्री गिवन है वो ऑलरेडी नल है। सो इफ ए इक्वल्स टू नल, लाइक ट्री है ही नहीं, देन व्हाट यू हैव टू रिटर्न, ऑब्वियसली या एम्प्टी वेक्टर, प्री ट्रैवर्सल। ओके, नाउ अब क्या यूज करने वाले थे हम, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक का। तो लेट्स स्टैक इनिशियलाइज करते हैं, और ये स्टैक ऐसी चीजें स्टोर करेगा बेसिकली ट्री नोड को स्टोर करने वाला है, तो ट्री नोड टाइप, एंड लेट्स नेम दिस स्टैक एज एस। अब मैंने क्या कहा था, ट्रैवर्सल बिगिन करने से पहले जहां से तुम्हें स्टार्ट करनी है तो बेसिकली हमें रूट से स्टार्ट करना है, तो वो हम इसे पुश करा देते हैं एस डॉट पुश ए। ओके, नाउ बिगिन दिस ट्रैवर्सल व्हाइल
कब तक करने वाले हम ये ट्रावर्सल को, एस का साइज क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, दैट इज नो मोर एलिमेंट एज देयर इनसाइड द स्टैक, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली स्टैक के देख रहे हैं स्टैक के टॉप में क्या है, तो लेट्स हम उसे एक टेम्परेरी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, तो एस डॉट टॉप स्टोर कर लिया, उसके बाद मैंने स्टैक को टॉप को पॉप कर दिया, ठीक है। अब हम बेसिकली प्रिंट नहीं करा रहे हैं, हमें एक वेक्टर रिटर्न करना है, तो हम चलो उस वेक्टर में उसे पुश कर लेते हैं, प्री ट्रैवर्सल डॉट पुश बैक टेम्प वैल, आफ्टर दैट सबसे पहले उसके राइट को पुश कराएंगे, अपने स्टैक पे पुश कराते हैं, तो इफ अगर एग्जिस्ट करता है टेम्प राइट इज नॉट इक्वल्स टू नल, देन वॉट वी आर डूइंग एस डॉट पुश टेम्प राइट, आफ्टर दैट इफ टेम्प लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, देन एस डॉट पुश temp left, okay, so I think this will work for us. At the end we have to just return pre-traversal, okay, let's test this code whether it is running or not. Yes, it's good for us. Let's submit this. So yes, it's working fine for me. Cool, हमने स्टैक का यूज करा फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस, सो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट ट्रैवर्सल नेक्स्ट लेक्चर पे.